हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंट्स ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री काफ़ी न्यूज़ में रहती है और एग्जाम में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से, क्योंकि इकोनॉमी को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास बहुत सारे काम हैं और उन कामों को डिवाइड किया गया है अलग अलग मिनिस्ट्री वाइज। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें, पहला डिपार्टमेंट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। टोटल 6 डिपार्टमेंट होते हैं। बारी बारी से थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि क्या उन डिपार्टमेंट्स के काम है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स पहला डिपार्टमेंट। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, ये बेसिकली प्लानिंग करता है, इकोनॉमिक प्लानिंग करता है, स्कीम्स वगैरह ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कि क्या करना है, किस तरीके से इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है। ठीक है, ये सारा काम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का होता है। तो ये बेसिकली ब्रेन है, ठीक है, जो कि पूरी इकोनॉमी को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, वो चैलेंज की तरह लेता है और उसके लिए सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करना। जैसे एग्जाम में कई बार आता है कि बजट कौन प्रिपेयर करता है, तो अगर ऐसा आता है कि बजट कौन सी मिनिस्ट्री प्रिपेयर करती है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन कई बार एग्जाम में देखा गया है क्वेश्चन ये आता है कि बजट कौन सा डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री का प्रिपेयर करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ही बजट प्रिपेयर करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये वाला डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि बजट प्रिपेयर करता है। बजट 1 फरवरी को हर साल प्रेजेंट किया जाता है और फाइनेंस मिनिस्टर ही बजट पढ़ता है, लेकिन यह वाला डिपार्टमेंट जो है बजट प्रिपेयर करता है। एक तो ये ध्यान रखना है। तो ये ब्रेन है एक तरीके से, यहीं पर इकोनॉमिक प्लानिंग वगैरह डिस्कशन, क्या स्कीम हो सकती है, क्या हो सकता है, वो सारा डिस्कशन होता है। दूसरा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब यहां पर रिसिप्ट से होता है। ठीक है, तो भारत सरकार की जो रिसिप्ट है, रेवेन्यू है, कमाई है, वो ये डिपार्टमेंट देखता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो इस डिपार्टमेंट का काम है इनकम टैक्स का जो कलेक्शन है, इनकम टैक्स हो, जीएसटी का कलेक्शन हो, एक्साइज ड्यूटी हो, ठीक है, जो भी रिसिप्ट आ रही है भारत सरकार के पास। जैसे होता है ना, हर ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में एक अकाउंटेंट रहता है, कैशियर रहता है, जो कैश रिसीव करता है, मतलब अकाउंट्स वाला डिपार्टमेंट रहता है। तो अकाउंट्स वाले डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, उसमें भी रिसिप्ट वाला होता है कि कैश, कैशियर कैश रिसीव कर रहा है, तो अलग डिपार्टमेंट रखा जाता है। मार्केटिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट रखा जाता है कि ये वाला डिपार्टमेंट मार्केटिंग करेगा, सेल्स के लिए अलग डिपार्टमेंट रखा जाता है। ठीक है, ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग डिपार्टमेंट रखा जाता है। तो काम को ना डिवाइड किया जाता है किसी भी ऑफिस में, ऐसी फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिवाइड किया गया है। कंट्री की इकोनॉमिक प्लानिंग या बजट प्रिपेयर करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है। ठीक है, डिपार्टमेंट रेवेन्यू का काम है इनकम टैक्स कलेक्शन के बारे में देखना, जीएसटी कलेक्शन वगैरह देखना, वो सब जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, इसके अंडर नहीं आता। फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो दूसरा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जीएसटी जो ऑफिस है, ठीक है, जो जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो सब इसके अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इस डिपार्टमेंट का काम है भारत सरकार के खर्चे का हिसाब किताब रखना। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का यह वाला डिपार्टमेंट, ये भारत सरकार की कमाई से जुड़ा हुआ है, ये खर्चे से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार कैसे कैसे पैसा खर्च करी, उसका हिसाब किताब करना। और स्टेट्स को भी कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है, यूपी को यूपी का हिस्सा, उत्तराखंड को उत्तराखंड का हिस्सा, हिमाचल को हिमाचल का हिस्सा, तमिलनाडु को तमिलनाडु का हिस्सा, तो ग्रांट्स वगैरह भी देती है। तो वो सारा का सारा इसी डिपार्टमेंट का काम है, पैसे का बंटवारा, वो सब फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के हिसाब से जो भी एक्सेप्ट करी है भारत सरकार ने, तो पैसे का हिसाब किताब, वो वाला हिसाब किताब खर्चे से रिलेटेड, कमाई से रिलेटेड नहीं, कमाई से रिलेटेड तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है। ठीक है, चौथा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको वीडियो पसंद आ रहा है लाइक जरूर करें, जिन लोगों ने लाइक नहीं कराया अभी लाइक कर लें, ठीक है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती है, फाइनेंशियल सर्विसेज अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, जैसे बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है आरबीआई, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शेयर मार्केट के रेगुलेटर है, और IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर है,
पेंशन सेक्टर का रेगुलेटर PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सारे के सारे फाइनेंशियल सर्विसेज को रेगुलेट करने वाले रेगुलेटर हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, ये पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करता है। तो ये सब फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले सेक्टर्स के रेगुलेटर हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन्हीं सेक्टर्स में नजर रखता है कि इकोनॉमी के ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े और एक सिंक्रोनाइज तरीके से सारे के सारे मिल के काम करें ताकि हमारी इकोनॉमी बेटर परफॉर्म करे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, लोगों के साथ चीटिंग भी ना हो। ठीक है, रूल्स रेगुलेशन बनाना वो सारा काम है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये सारे के सारे रिपोर्ट करते हैं इस डिपार्टमेंट को। RBI जो है इस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा, SEBI इसको रिपोर्ट करेगा, या यहाँ से डायरेक्शन जाएगी SEBI को, RBI को। तो यही डिपार्टमेंट देखता है फाइनेंशियल सर्विसेज के मैटर्स को। ठीक है, पांचवा डिपार्टमेंट है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट Department of Public Asset Management, Department of Investment and Public Asset Management, Investment and Public Asset Management, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं DPAM। ये कई बार एग्जाम में भी आया कि DPAM की फुल फॉर्म क्या है। तो Department of Investment and Public Asset Management, इसका पहले एग्जाम में ये भी आया कि इसका पुराना नाम क्या है। तो earlier it was Department of Disinvestment। इसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट था। ठीक है, इन 2016 में मोदी सरकार ने इसका डिपार्टमेंट का नाम बदल दिया। पहले समझते हैं काम क्या था। देखिए, होता क्या है कि गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन क्या है। गवर्नमेंट कंपनी हम उस कंपनी को बोलते हैं जिसमें गवर्नमेंट के 50% से ज़्यादा शेयर होते हैं। ठीक है, उसे हम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। जैसे ONGC में हम बोलेंगे गवर्नमेंट के 80% शेयर है तो ONGC गवर्नमेंट कंपनी। सरकार ONGC में 80% शेयर होल्डिंग रख रही है, अगर 10% शेयर्स को बेच दे और अपने पास होल्डिंग 70% रखे तब भी ONGC को गवर्नमेंट कंपनी ही बोलेंगे, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट के पास 50% से ज़्यादा शेयर है। या सरकार ने ONGC में अपनी होल्डिंग बेची, अपने पास 51% शेयर रखे, तब भी उसे गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे क्योंकि 50% से ज़्यादा शेयर है। तो कोई भी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी तब तक है जब तक गवर्नमेंट के पास 50% से ज़्यादा शेयर है। तो भारत सरकार के पास 90% है, उसने 10-20% अगर होल्डिंग बेच भी दी तब भी वो गवर्नमेंट कंपनी रहती है। तो सरकार कई बार होल्डिंग को बेचती भी है और खरीदती भी है। ठीक है, और बेचती क्यों है, क्योंकि फंड्स आ जाते हैं, सरकार के पास पैसे की कमी है तो होल्डिंग बेच देती है। जैसे LIC का IPO आया तो 5% होल्डिंग पब्लिक को ऑफर करी। ठीक है, LIC की, तो उससे गवर्नमेंट के पास पैसे आ गए, उसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट करा 5% होल्डिंग। ठीक है, तो अब सरकार इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। मान लो ONGC में 60% शेयर थे, ONGC में गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग 70% कर दी, 10% और बढ़ा दी, तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना पब्लिक से खरीदने के लिए। 10% शेयर खरीदने के लिए पैसा डालना पड़ेगा मार्केट में, पब्लिक से खरीदा जाएगा, इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो जब गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग बढ़ाती है तो इन्वेस्ट, जो कि अच्छी बात है, उससे ये शो होता है तुम्हारे पास पैसा है, तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अब सरकार 70% 60% जाएगी, वो इन्वेस्टमेंट का अपोजिट हो गया, तो उसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब सिंपल हो गया, गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग को गवर्नमेंट कंपनी में रिड्यूस करे तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट भी कर रही है। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, जो पब्लिक एसेट है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उन्हें पब्लिक एसेट, पब्लिक के एसेट कहे जाते हैं। वो पब्लिक मतलब जनता, कुछ सरकारी कंपनी का मतलब है कि उसमें ओनरशिप किसकी है, जनता की, आपकी, हमारी, हम सबकी ओनरशिप है, लेकिन हमारे बिहाफ में उसको कौन देख रहा है, मैनेज कौन कर रहा है, सरकार, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है जिनको हमने चुना है वो लोग। ठीक है, जैसे हम सड़क, फ्लाईओवर, ब्रिज बोलते हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी क्यों है, वो हम सबकी प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है। सरकारी संपत्ति मतलब सरकार ने, हमने सरकार में हमने मैनेज करने के लिए उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, लेकिन ओनर हम हैं, पूरी जनता है, फ्लाईओवर, ब्रिज वगैरह, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, सब ओनर है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक एसेट होते हैं, इनका मैनेजमेंट के में ही इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो मोदी सरकार का कहना था कि इस डिपार्टमेंट का नाम डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एक नेगेटिव नाम है। केवल भारत सरकार शेयर होल्डिंग बेस थोड़ी रही है, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट तो कर ही रही है, इन्वेस्टमेंट भी तो कर रही है, पॉजिटिव नाम होना चाहिए। तो ये सोच के मोदी सरकार ने नाम बदला और उसका नाम रख दिया DPAM। मोदी जी नाम रखने में माहिर है, किसी भी चीज़ का नाम रखेंगे तो हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होता है।
तो अब आते हैं सिक्स्थ डिपार्टमेंट में। सिक्स्थ डिपार्टमेंट जो है वो है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो डिपार्टमेंट से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आए, जैसे अभी हमने पांचवा डिपार्टमेंट दीपम डिस्कस करा, तो वो एग्जाम में आ चुका है पहले, दीपम की फुल फॉर्म वगैरह, नाम कब चेंज हुआ, पहले वाला नाम, अलग अलग एग्जाम में आ गया। और ये जो छठा डिपार्टमेंट है, ओरिजिनली फाइनेंस मिनिस्ट्री में पांच ही डिपार्टमेंट हुआ करते थे, ये सिक्स्थ डिपार्टमेंट जो है 2021 में ऐड हुआ है। तो कुछ एग्जाम में ये भी आ गया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के नए डिपार्टमेंट का नाम क्या है, तो 2021 में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस बनाया गया। इसका काम क्या होगा, पब्लिक एंटरप्राइजेस मतलब गवर्नमेंट कंपनीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनीज के फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। जैसे हमने अभी डिस्कस करा, दीपम का काम है कि शेयर्स को बेच खरीदना बेचना, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी की शेयर होल्डिंग को डिक्रीज करना, मतलब जिसे डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना वो उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ डीपम बना हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। लेकिन इस डिपार्टमेंट का नाम क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। इसका काम क्या होगा, नाम से समझते हैं कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेज है मतलब गवर्नमेंट कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर, यहाँ पर शेयर्स को बेचने खरीदने बेचने से रिलेटेड नहीं है, ONGC के जो ऑपरेशंस होते हैं, कौन से ऑपरेशंस, जो कैश के ऑपरेशंस होते हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उनके अकाउंट्स बुक से रिलेटेड, ONGC के शेयर को खरीदने बेचने से रिलेटेड नहीं, ONGC का एज अ बिजनेस, ONGC के जो अकाउंट्स वगैरह है, फाइनेंसेस को कैसे स्ट्रॉन्ग किए जाए गवर्नमेंट कंपनीज में के, और कोई भी गवर्नमेंट कंपनी लॉस में ना रहे, एक कंसोलिडेशन होता है, एक बैलेंस होता है किसी के भी कंपनी का फाइनेंसेस का, उसके मैनेजमेंट के लिए ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस बना, ताकि गवर्नमेंट कंपनीज को, जैसे कॉरपोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज चलाती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, उसी तरीके से गवर्नमेंट कंपनी को भी प्राइवेट सेक्टर की तरह ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू।